हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेड इन क्लासेस। आज हम लोग सीआरपीसी सेक्शन 174 डिस्कस करेंगे। 173 तक ऑलरेडी हो चुका है, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। सारे वीडियोस वहां पे आप लोगों को इजीली मिल जाएंगे, ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो सेक्शन 174 क्या कहता है, तो यहाँ पे बात हो रही है पुलिस टू इंक्वायर एंड रिपोर्ट ऑन सुइसाइड एटसेट्रा। ठीक है, पुलिस के पास पावर होता है कि वो इंक्वायर करे और रिपोर्ट करे किसी इस तरह का सुइसाइड या कोई अननेचुरल डेथ, अगर उस तरह का इंफॉर्मेशन आ रहा है तो वो लोग इंक्वायरी करते हैं। वो कहाँ पर डिस्क्राइब है, वो सीआरपीसी का सेक्शन 174 में डिस्क्राइब है। ठीक है, अब जब हम लोग ये सेक्शन पूरा पढ़ेंगे, मैं आप लोगों को बीच बीच में कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जिससे आप लोग अभी के प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए कोरिलेट करके इस चीजों को समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 174। सेक्शन 174 का सबसे पहले जो है वो हम लोग सबसेक्शन 1 देखेंगे। उसमें ये कहा गया है, व्हेन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन या कोई पुलिस ऑफिसर जिसके जो कि एम्पावर्ड है, हाँ, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, इन दैट बिहाफ, जो कि एम्पावर्ड है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे उनके पास किसी तरह का इंफॉर्मेशन आता है। क्या इंफॉर्मेशन, कि किसी पर्सन ने सुइसाइड कमिट कर लिया है या उसकी डेथ हो गई है, जो कि लग रहा है किसी और ने उसको मार डाला है, किल्ड बाय अनदर और बाय एन एनिमल और बाय मशीनरी और बाय एन एक्सीडेंट और हैज डाइड अंडर सर्कमस्टांसेस रेजिंग अ रीजनेबल सस्पिशन दैट सम अदर पर्सन हैज कमिटेड एन ऑफेंस, या इस तरह का कोई सस्पिशन जिसमें क्रिएट हो रहा है, जिसमें लग रहा है कि हाँ जो ऑफेंस है वो किसी और द्वारा किया गया है। ही शैल इमीडिएटली गिव इंटीमेशन देयर ऑफ टू द नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। उस समय जो ऑफिसर इंचार्ज है या पुलिस ऑफिसर है जिसके पास ये इंफॉर्मेशन आया है, वो तुरंत इंटीमेट करेगा, खबर को पहुंचाएगा किसके पास, नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास, जो कि एम्पावर्ड है कि होल्ड इंक्वेस्ट कर सके। इंक्वेस्ट होल्ड करने का मतलब है जो कि जुडिशियली इंक्वायरी कर सके फैक्ट्स का, कि क्या सिचुएशन है, क्या हुआ है, तो उसको इंक्वेस्ट कहते हैं। एंड अनलेस अदरवाइज डायरेक्टेड बाय एनी रूल प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये नॉर्मल प्रोसीड्योर है। इसके अलावा कोई और स्पेशली रूल अगर प्रिस्क्राइब किया गया है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, तो उसको फॉलो करते हुए केस को, इंक्वायरी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और बाय एनी जनरल और स्पेशल ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट और सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, या डिस्ट्रिक्ट या सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट द्वारा भी किसी अलग तरह का ऑर्डर अगर पास किया गया है, कोई रूल बनाया गया है, तो उसको अदरवाइज किसके पास चले जाएंगे, नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास इंटीमेशन कर देंगे तुरंत ही, जैसे ही इंफॉर्मेशन आके पहुंचता है ऑफिसर इंचार्ज या पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिसर को। ठीक है, अब उसके बाद शैल प्रोसीड टू द प्लेस वेयर द बॉडी ऑफ सच डिसीज्ड पर्सन इज। उसके बाद तुरंत उस प्लेस पे चले जाएंगे जिस जगह पर उस डिसीज्ड पर्सन का बॉडी है, एंड दे आर इन प्रेजेंस ऑफ टू नेबरहुड, ठीक है, इनहेबिटेंट्स जो कि उस इलाके में रहते हैं, वहां जाके डेड बॉडी के पास, डिसीज पर्सन के बॉडी के पास जाके, इन द प्रेजेंस ऑफ, दो इंसान का मौजूदगी जो कि नेबरहुड हो सकते हैं, नेबरहुड में रह सकते हैं, इनहेबिटेंट्स हो सकते हैं वहां के लोकेलिटी का, तो वैसे दो इंसान के प्रेजेंस में इन्वेस्टिगेट करेंगे, एन इन्वेस्टिगेशन एंड ड्रॉ अप अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट ड्रॉ करेंगे ऑफ द अपेरेंट कॉज ऑफ डेथ, कि क्या अपेरेंट कॉज, देखने से क्या लग रहा है, क्या प्रतीत हो रहा है देखने से कि किस तरह से डेथ हुआ है, और उसमें डिस्क्राइब करेंगे किसी तरह का वुंड्स है, घाव है, फ्रैक्चर है, ब्रूजेस मार्क्स है बॉडी में, तो वो सबको देखते हुए एक अपेरेंट कॉज ऑफ रिपोर्ट बनाएंगे, एंड स्टेटिंग इन व्हाट मैनर, किस तरीके से, किस मैनर में, और बाय व्हाट वेपन और इंस्ट्रूमेंट सच मार्क्स अपीयर टू हैव बीन आइडेंटिफाइड। जैसे कि मैंने बताया प्रेजेंट सिचुएशन में, जैसे कि अभी आप लोग देख रहे होंगे कि सुशांत सिंह केस में बहुत ज्यादा इस चीजों को लेके हम लोग को सोशल मीडिया में काफी ज्यादा डिटेल्स मिल रही हैं, जैसे कि इसको कैसे कोरिलेट करेंगे, कि उसके बॉडी को भी जाके देखने के बाद क्या पता चला कि हाँ वो लटक रहा था, जो दुपट्टा, ग्रीन दुपट्टा यूज हुआ, इस तरह की चीजें हैं। ये सब मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोग समझ सके कि किस तरह से इन्वेस्टिगेशन हुआ है। तो ये केस में भी 174 ही अप्लाई हुआ है, क्योंकि अपेरेंटली अपेरेंट कॉज देख के क्या लगा, कुछ घाव उस तरह से नहीं मिला, या जो भी गले में कुछ निशान है, या जो दुपट्टा मिला, या कोई मार्क्स है कि नहीं, वुंड्स है कि नहीं, तो देख के अपेरेंट शो कॉज, जो भी रिपोर्ट बना वो क्या, कॉज में क्या लिखा गया, सुइसाइड लग रहा था, अपेरेंटली सुइसाइड लग रहा है, बाकी तो इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल, इंक्वायरी, ये सब के बाद पता चलेगा कि क्या है, विसेरा रिपोर्ट वगैरह के बाद। तो ये है सेक्शन 174 में, जैसे ही इंफॉर्मेशन आता है तुरंत इंटीमेट करेंगे नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को, या अगर सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट द्वारा, या
किसी तरह का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा कुछ अलग फॉर्म, अगर कोई अलग रूल बताया गया है उसको फॉलो करते हुए उसको इंटीमेट करने के बाद उस जगह पे जाएंगे डेड बॉडी के पास, इन द प्रेजेंस ऑफ टू टू इनहेबिटेंट्स, टू नेबर्स के प्रेजेंस में वो सब जाके देखेंगे, बॉडी में चेक करेंगे या क्या अपेरेंट कॉज लग रहा है, वो रिपोर्ट बना के उसको कंप्लीट, किसी वेपन का यूज हुआ है कि नहीं, किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज हुआ है कि नहीं, वो सब देखते हुए उसको नोट डाउन करेंगे। ये सब सेक्शन वन बताता है, सेक्शन 174 का। अब सब सेक्शन टू बताता है, द रिपोर्ट शैल बी साइंड बाय सच पुलिस ऑफिसर, रिपोर्ट जो है वो साइन करेगा पुलिस ऑफिसर द्वारा, हाँ, जो उसका रिपोर्ट बनाया है। और उसके बाद क्या होगा, फॉरवर्ड कर देगा टू द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और द सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट। उसके बाद वो साइन करके वो भेज देगा किसके पास, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास या सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के पास। ये हो गया सबसेक्शन टू। सबसेक्शन टू में सिर्फ साइन की बात कही गई है। अब आते हैं सबसेक्शन थ्री, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें सबसेक्शन थ्री में भी तीन इंस्टेंस, पांच इंस्टेंसेज है, जिसमें कि आप लोग पहले सुनिए, उसके बाद उसको पता चलेगा कि ये सभी चीजें ऐसे सिचुएशन होने के बाद क्या किया जाएगा। तो द केस इन्वॉल्व, वेन द केस इन्वॉल्व सुइसाइड ऑफ ए वुमन विद इन 7 years ऑफ अवर मैरिज, 7 साल के अंदर किसी किसी महिला का अगर सुइसाइड का इन्फॉर्मेशन अगर आता है। सेकेंड ये बता रहा है, द केस रिलेट्स टू द डेथ ऑफ ए वुमन विद इन 7 years ऑफ मैरिज इन एनी सर्कमस्टांसेस रेजिंग अ रीजनेबल सस्पिशन, कोई रीजनेबल सस्पिशन उसमें क्रिएट हो रहा है कि कोई अदर पर्सन जो है वो कमिट किया है इस ऑफेंस को, जो कि उस महिला के रिलेशन में आता है। ठीक है, उस वुमेन का अगर डेथ हो गया है 7 years ऑफ मैरिज के अंदर अंदर, और देख करके ऐसा लग रहा है, एक रीजनेबल सस्पिशन क्रिएट हो रहा है कि कोई उसका जानने वाला इस चीज को किया है। थर्ड इंस्टेंस में ये बता रहा है, द केस रिलेट्स टू द डेथ ऑफ ए वुमन विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज एंड एनी रिलेटिव ऑफ द वुमन हैज मेड ए रिक्वेस्ट इन दिस बिहाफ। अगर 7 साल के अंदर डेथ हो रही है और वुमन का कोई रिलेटिव अगर इसमें रिक्वेस्ट करता है कि इस तरह की जांच की जाए। तो फोर्थ नंबर बताता है, देयर इज एनी डाउट रिगार्डिंग द कॉज ऑफ डेथ, कॉज ऑफ डेथ से कुछ डाउट आ रहा है तो। और द पुलिस, फिफ्थ में ये बता रहा है, द पुलिस ऑफिसर फॉर एनी अदर रीजन कंसिडर्स इट एक्सपीडियंट सो टू डू, और पुलिस ऑफिसर को किसी अदर रीजन से अगर उसको लग रहा है ऐसा करने का तो वो क्या करेगा, ही शैल सब्जेक्ट टू सच रूल्स एज स्टेट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब, जिस तरह से स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब किया है उस रूल्स को फॉलो करते हुए क्या करेगा, बॉडी को फॉरवर्ड करेगा किसके पास, पोस्टमार्टम करने के लिए किसके पास करेगा, नियरेस्ट सिविल सर्जन के लिए, सर्जन के पास, और कोई अदर क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर अगर है उसको, जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा उसको एम्पावर किया गया है। एंड इन दिस वे इफ द स्टेट ऑफ वेदर एंड डिस्टेंस एडमिट ऑफ इट्स बींग सो फॉरवर्डेड विदाउट रिस्क ऑफ प्यूरिफिकेशन, यानी ये बॉडी को तभी भेजेंगे जब कोई रिस्क नहीं रहेगा कि बॉडी का जो जो बाहर का क्लाइमेट है, जो वेदर है, कि बॉडी जो है भेजने तक इतना पास भेजा जाए, या फिर सिचुएशन ऐसा है कि वो सड़े नहीं, बॉडी जैसा है वैसा ही रहे, उसका एग्जामिनेशन हो सके ऑन द रोड एज वुड रेंडर सच एग्जामिनेशन यूजलेस। अगर अगर सिचुएशन बहुत खराब है, बहुत गर्मी है बाहर, या इतना दूर है कि जाते जाते बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा, तो फिर एग्जामिनेशन का कोई फायदा नहीं बचेगा, यूजलेस हो जाएगा। तो वो सभी चीजों को देखते हुए बॉडी को भेजा जाएगा सिविल सर्जन के पास एग्जामिनेशन के लिए। ये थ्री नंबर क्लॉज, सब क्लॉज सब सेक्शन बताता है। तो उसके अंदर जो 5 points है वो सभी चीजों का अगर लग रहा है तो फिर उस केस में जो पुलिस ऑफिसर है वो बॉडी को भेजेगा। सब सेक्शन फोर क्या बताता है, मैजिस्ट्रेट्स आर एम्पावर्ड टू होल्ड इंक्वेस्ट, नेमली एनी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट एंड एनी अदर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। ठीक है, जो है वो लोग एम्पावर्ड होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा एम्पावर्ड होते हैं कि वो इंक्वेस्ट होल्ड करे। अब इंक्वेस्ट का मीनिंग मैंने आप लोगों को बता दिया, जुडिशियल इंक्वायरी टू असर्टेन द फैक्ट्स रिलेटिंग टू एन इंसिडेंट, किसी इंसिडेंट से रिलेटेड। तो ये हो गया सबसेक्शन फोर। अब ये 4 सबसेक्शन तो मैंने आप लोगों को सेक्शन 174 का बता दिया, अब कुछ और चीजें हैं जो कि सुन लीजिए, जरूरी है। सेक्शन 174 जो है वो प्रोवाइड करता है इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस केसेस ऑफ अननेचुरल डेथ। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कुछ अननेचुरल डेथ अगर हो रहा है या डेथ अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस, कुछ सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस के अंदर अगर डेथ हो रहा है तो सेक्शन 174 के तहत जो है वो इन्वेस्टिगेशन होगा। उसके बाद है, देयर कैन बी नो इंक्वायरी अंडर दिस सेक्शन व्हेन द डेड बॉडी कैन नॉट बी फाउंड, जब डेड बॉडी फाउंड नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं होगा, 174 के तहत नहीं होगा। ठीक है, फिर इंक्वेस्ट रिपोर्ट जो है वो सब्सटैंटिव एविडेंस नहीं है। ठीक है, जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट होगा वो सब्सटैंटिव एविडेंस नहीं होगा, बट मे बी यूज इन कोरोबोरेशन ऑफ एविडेंस, कोरोबोरेशन यानी सपोर्टिव एविडेंस के तौर पे इसको यूज किया जा सकता है।
और अब आते हैं लास्ट में कि क्या ऑब्जेक्ट है सेक्शन 174 का। तो सेक्शन 174 का ऑब्जेक्ट यही है, द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 174 इज मेयरली टू असर्टेन वेदर पर्सन डाइड अंडर सच, ये जस्ट असर्टेन करने के लिए जो पर्सन की डेथ हुई है वो किसी सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस के अंडर हुई है और मेट विद एन अननेचुरल डेथ, या फिर किसी अननेचुरल डेथ से हुई है, और इफ सो, और अगर ऐसा है तो व्हाट वाज इट्स अपेरेंट कॉज, अपेरेंट देखने से क्या कॉज लग रहा है उसको नोट करने के लिए जो है सेक्शन 174 बनाया गया है। तो यही है बेसिक ऑब्जेक्ट बिहाइंड सेक्शन 174 आईपीसी, सॉरी सीआरपीसी। तो आई होप आप लोगों को सेक्शन 174 समझ में आ गया होगा। अभी के प्रेजेंट के सिचुएशन को मैंने आप लोगों को एक साथ डिस्कस किया है ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके, और इसके बाद आप लोग बुक पढ़िए साथ में। मैं तो सजेस्ट करूंगी जब भी आप लोग वीडियो देखें साथ में बुक बेयर एक्ट ये सब लेके बैठे, आप लोग तुरंत तुरंत मिलाते चले जाएंगे, समझ में आता जाएगा। बाद में वीडियो के खत्म होने के बाद आप लोग पढ़ लीजिए, समझ में आ जाता है तो जरूर से एक लाइक करें वीडियो को, और अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो रेड सब्सक्राइब बटन है ना उसको प्रेस करने से आप लोगों को सारी नोटिफिकेशन मिलती जाएगी जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।